मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही होली के दिन हमने देखा था कि कैसे गुरुग्राम में एक घटना को अंजाम दिया गया। लोग आए और बोलने लगे कि मुल्ले यहां क्या कर रहा है, जा जाकर पाकिस्तान खेल। इस पर विवाद हुआ और जो तस्वीरें हम लोगों के सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, वो वाकई चिंताजनक थी कि आखिरकार लोगों के दिलों में इतनी नफरत कैसे भर दी गई है। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद फिर उत्तर प्रदेश से हम लोगों के सामने खबर आती है कि चबूतरे को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद एक 70 साल के बुजुर्ग को कुल्हाड़ियों से बांध करके काट दिया जाता है। वैशी दरिंदों की यही हिमायती नहीं हुई, वो यही नहीं थमे। उसके बाद फिर असम में शौकत अली की तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं, जिसे बेदर्दी से मारा पीटा जाता है, उसको जबरन मारा पीटा जाता है और नापाक गोश्त खिलाया जाता है। ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें यही नहीं रुकने वाली हैं। और उसके बाद भी हम लोगों के सामने राजस्थान से खबर आती है कि एक परिवार को जबरन मारा पीटा गया और विवाद मुस्लिम लड़की को छेड़ने को लेकर के हुआ। उसके परिवार वालों ने विरोध किया तो कुछ भगवा गमछा ओढ़े लोग आए और जबरन मारपीट शुरू कर दी। लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ना ही सरकार इस पर लगाम लगाने को तैयार है और ना ही प्रशासन इस पर कोई नकेल कसने को तैयार है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां अमेरिका की CIA रिपोर्ट ये कह चुकी है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान देश में बहुत बड़ा दंगा कराया जा सकता है। उसके लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि चैनल डिबेट में एरिया में जा करके, इलाके में जा करके लोगों से बात पत्रकार कर रहे हैं और उकसाने भरे अंदाज को प्रयोग कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहा है तो प्रवक्ता खुद आकर के नरेंद्र मोदी को डिफेंड कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल एक चैनल डिबेट रोहित सरदाना के दंगल पर नजर पड़ी। रामपुर में लोगों से बात कर रहे थे, एक महिला ने जब कहा कि राफेल के लिए नरेंद्र मोदी जी ही चोर हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि अपशब्द का प्रयोग ना करें। जब फिर भी सपा के लोग नरेंद्र मोदी जी को चोर चोर कहने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता इसे देश का अपमान बताने लगे, प्रधानमंत्री का अपमान बताने लगे और ऐसी भाषा प्रयोग के लिए सपा के नेताओं से माफी मांगने के लिए कहा गया। जब सपा के नेता ने कहा कि ये बातें पार्टी के लोगों ने नहीं कही, एक नागरिक की आवाज है जो वो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, पर वहां पर जब सपा प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा तो रोहित सरदाना खुद डिफेंड करने के लिए आ गए और फिर रामपुर में आजम खान को चोर चोर के नारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाने लगे। ये वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की, क्योंकि यही सब नफरत फैलाई जा रही है बीते 5 सालों में, जिसकी तस्वीरें हम लोगों के सामने हैरान कर देने वाली आती ही जा रही हैं।
तो झारखंड से एक ऐसा ही मामला हम लोगों के सामने आया है, जिसको आप लोग भी जान लीजिए कि आखिरकार क्या हुआ झारखंड में रामनवमी के दिन, और कैसे देखते ही देखते पूरे एरिया में कर्फ्यू लग गया। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के सिलनी गांव में शनिवार को रामनवमी के जुलूस पर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी के बाद हुए झड़प में एक अचल अधिकारी सीओ एवं एक सहायक पुलिस निरीक्षक समेत 12 लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने हालात को नियंत्रण कर लिया। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि शनिवार शाम जब रामनवमी का जुलूस सिलनी गांव से होकर गुजर रहा था, उसी समय दूसरे संप्रदाय के लोगों ने यह सोचकर जुलूस में शामिल लोग अपना रास्ता बदल रहे हैं उन पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि जुलूस अपने निर्धारित मार्ग पर ही था। इसके कारण दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में हुई पत्थरबाजी में सीओ किरण सुरेन और सहायक पुलिस निरीक्षक अरुण सिंह समेत 12 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। एक खबर के अनुसार पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और वहां स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। रामनवमी के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, हजीराबाग, जमशेदपुर आदि शहरों में बड़े उत्साह से जुलूस निकाला जाता रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि रामनवमी के दिन झारखंड में रैली निकाली जाती है और रैली के दौरान पत्थरबाजी के आरोप लगाए जाते हैं। ये सिलसिला पुराना हो चला है। ये सिलसिला हमने कासगंज में भी देखा था, यही सिलसिला हमने सहारनपुर में भी देखा था, जहां जुलूस निकालने के लिए जबरन बल प्रयोग किया जाता है, पुलिस प्रशासन से इजाजत ली जाती है, पर प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या कोई रोक नहीं लगाता है, क्योंकि लगातार हम बीते 5 सालों में देखते हुए आ रहे हैं कि इन्हीं जुलूसों के आड़ में दंगा फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। हमने 26 नवंबर के दिन कासगंज भी जलते हुए देखा है, हमने सहारनपुर भी जलते हुए देखा है, हमने कोरेगांव भी जलते हुए देखा है। जुलूसों को लेकर के जिस तरीके से नफरत फैलाने की साजिशें देश में की जा रही हैं, उसे रोकने में प्रशासन नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और वही जबरन मुसलमानों के इलाकों से जुलूस को निकालो और फिर आरोप लगाओ कि उन्होंने पत्थरबाजी की और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर लगातार हम लोग खबरें दिखाते हुए आ रहे हैं और प्रशासन और सरकार किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही इस पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रही हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं। इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा।
पल पल न्यूज़ पर।